दुर्ग जिले में पिछले दो दिनों के भीतर चार अलग अलग खुदकुशी के मामले में पांच लोगों की मौत हो गई है। वह एक युवती की हालत गंभीर है। इनमें से तीन मामले प्रेम प्रसंग से जुड़े हुए हैं, जबकि एक की बीमारी से तंग आकर जान देने की बात कही जा रही है। खुदकुशी के मामलों पर दुर्ग के समाज सेवी व बिल्डर्स एवं डेवलपर्स के एस चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी है। दोस्तों, बहुत दुखद की बात है कि कल हमारे जिले में पांच युवक युवतियों ने आत्महत्याएं कर ली, जिसमें से चार प्रेम प्रसंग के कारण और एक स्वास्थ्य के कारण थे। एक्चुअली प्रेम प्रसंग के कारण नहीं, वो परिस्थितियों में उलझ जाते हैं। परिस्थितियां में उलझ जाते हैं इस वजह से। उसका एक और मेन कारण है कि उनके पास कोई सलाह देने वाला नहीं रहता, कोई जिससे वो सलाह ले सके सही तौर पे। इसके जवाबदार हम सामाजिक प्राणी भी हैं, माँ बाप भी हैं, भाई बहन भी हैं, दोस्त भी हैं, सरकार भी है, व्यवस्था भी है, जो कि शिक्षक भी हैं, जो कि एक सलाह, एक अच्छी तरीके से सलाह नहीं दे पाते। कोई भी घटना अचानक नहीं घटती, उसका पहले से अलार्मिंग होता है, संकेत आता है कि शायद इसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए या हमारे को उसकी जरूरत है। तो हमें उनको खुद होके जो हमारे को उसके हित के लिए समझ में आता है उसे जरूर बताना चाहिए, या उन किशोरों को भी जो अगर कोई दुविधा में फंसे हुए हैं उनको दूसरों की सलाह जरूर लेनी चाहिए। दोस्तों, जितने भी विश्व में आत्महत्याएं हुई हैं उसका एक आम लक्षण सब में पाया गया है, और वो लक्षण है लक्ष्य विहीन होना। अगर हमारे लक्ष्य नहीं है जीवन में तो हम इस टाइप की उलूल जुलूल हरकतें करते हैं। अगर हमारे जीवन में लक्ष्य है तो हम जीवन बर्बाद तो बहुत दूर की बात है, हम समय बर्बाद भी नहीं करते हैं। इसलिए लक्ष्य होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी बात, जब हम 25 साल से नीचे के रहते हैं तो हम बड़े बड़े डिसीजन हम खुद नहीं ले पाते हैं। 21 साल से नीचे की उम्र को अवैवाहिक विवाह को अवैध करार किया जाता है, क्योंकि वो आप उसके लिए अभी एलिजिबल नहीं है इसीलिए। और एक और सर्वे के में ये पता चलता है कि जैसे ही आत्महत्या करने वाला आत्महत्या करने जाता है तो पहले बहुत जोश में रहता है, लेकिन जैसे ही उसके हाथ से बाजी निकल जाती है वो उसका डिसीजन बदल जाता है। जितने भी आत्महत्या अटेम्प्ट करने वाले थे वो जो बच गए हैं तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बोला है कि उसके बाद हम बचना चाहते थे। और अधिकतर लोग जो लक्षण पाए जाते हैं, जैसे ही मान लीजिए कि कोई पुल से नीचे गिर रहा है, कूद रहा है, तो कूदने तक वो बहुत जोश में रहता है, लेकिन जैसे ही वो छलांग लगा देता है और पानी तक नहीं पहुंचता या धरातल तक नहीं पहुंचता है, उसका डिसीजन बदल जाता है। वो बचना चाहता है उस समय, लेकिन बच नहीं पाता। कुछ लोग बच जाते हैं जो सौभाग्यशाली होते हैं। और एक बात, जब हम आत्महत्या करते हैं तो हमारा जन्म बहुत समय की बात होता है, क्योंकि परमात्मा भी देखता है कि आपको तो जीवन की जरूरत ही नहीं। तो जिनको जरूरत है, जिनको कुछ लक्ष्य प्राप्त करना है, जिनको कोई ध्येय है, हम उसको जीवन दें। याद रखिए कि अगर आप जीवन को तवज्जो देंगे तभी जीवन आपको तवज्जो देगा।